उत्तरकाशी में आखिर इंसानी हौसले और संकल्प ने सुरंग के भीतर 17 दिनों तक फंसी 41 बहुमूल्य जिंदगियों को बचा लिया है। ऐसा न होता तो यह बहुत बड़ी दुर्घटना होती। दुर्घटनाओं के बारे में कहा जाता है कि वह पूरी तरह से नकारात्मक ही नहीं होती बल्कि सकारात्मक संदेश भी देती हैं। यदि उत्तरकाशी में सुरंग हादसे का वही सकारात्मक संदेश ग्रहण कर लिया जाए तो यह उत्तराखंड के साथ पूरी मानवता के लिए भी बड़ा लाभप्रद हो सकता है। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। पहली वो सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तरकाशी सहित पूरा उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में आता है। हिमालय को अभी भी बनने की स्थिति का युवा पहाड़ कहा जाता है। युवा नाजुक होते हैं। दूसरे, यह धरती का हिस्सा है जिसे भारतीय मान्यताओं में धरती माता, और इसीलिए हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। माता से हमेशा पोषण प्राप्त किया जाता है परंतु कभी भी उसका शोषण नहीं किया जाता। यही आधुनिक दौर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार भी है। यानी विकास इस तरह से हो जिससे प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। सुरंग बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से धरती माता का सीना चीरने और विस्फोटों से उसके अस्थि पंजर तक ढीले करने की जगह यदि उत्तरकाशी की सुरंग में आखिर में भारी भरकम मशीनों के फेल हो जाने के बाद आई पारंपरिक रेट माइनर्स की चूहों की तरह बिल यानी सुरंग खोदने की पद्धति का प्रयोग किया जाना ही श्रेयस्कर होगा। इसी तकनीक से लाक्षागृह से पांडव भी सुरक्षित बाहर निकल पाए थे। यह वह दूसरी बात है जो उत्तरकाशी से मिला दूसरा सबक हो सकता है। यह सबक भी लिया जा सकता है कि जैसे उत्तरकाशी की इस पूरी दुर्घटना में जिस तरह स्थानीय मजदूर गब्बर सिंह नेगी ने स्थानीय ज्ञान के आधार पर योग आदि का सहारा भी लेकर भीतर 41 मजदूरों का जीवित रहने के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाला मनोबल बनाए रखा और इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा की, स्थानीय लोगों को भी पहाड़ पर होने वाले विकास कार्यों में काम पर लिया जाना चाहिए और अधिकतम कार्य मशीनों की जगह मजदूरों से कराया जाना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तीसरा, पहाड़ क्या पूरे देश धार्मिक विश्वास और मान्यताओं का देश है। मात्र तकरीबन करीब 500 वर्ष की आयु वाले आधुनिकता व विज्ञान पर अंधविश्वास करते हुए हजारों वर्ष पुराने अनुभवों के आधार पर विश्वसनीय तरीकों ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को अंधविश्वास मानने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुरंग विशेषज्ञों में शामिल भारतीय परंपराओं को न मानने वाले कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आर्नोल्ड डिक्स जिस तरह शुरू से आखिर तक उत्तरकाशी की सुरंग के बाहर पहले तोड़े जाने के बाद में बनाए गए बाबा बोखनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर पर सिर झुकाते रहे वो विश्वास बनाए रखे, भारतीय परंपराओं का मखौल उड़ाने वाली युवा पीढ़ी के तथाकथित आधुनिक वर्ग को इस पर जरूर विचार किया करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।